गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज अबाउट क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ मशीन्स। दिस इज आवर लेक्चर, लेक्चर नंबर 4। दिस इज आवर समरी लेक्चर। टुडे नाउ वी आर गोइंग टू क्विक स्क्रॉल ऑफ दिस चैप्टर। आफ्टर दैट आई विल गिव यू असाइनमेंट फॉर होमवर्क। सो लिसन टू मी carefully. First of all, first point is, machines are equipment which make our work easier. इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? पहले आयरन एज पढ़ी है, जब टूल्स ही नहीं होते थे कोई भी, तब जो ह्यूमन बीइंग था वो क्या करता था? स्टोन एज पढ़ा है, आयरन एज पढ़ी है, उसके बाद जो हमारा मशीन्स आ गई उसके बारे में पढ़ा है। तो स्टोन एज में जब मशीन्स या कोई टूल ही नहीं होते थे, तब ह्यूमन बींग क्या करता था? और जब उसके पास टूल्स आ गए, मतलब टूल्स मटेरियल मिल गया, उसको टूल्स बनने लगे, तब वो कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करता था? और उसके बाद जब आयरन आ गया, आयरन की खोज हो गई, तब उसके बाद मशीन्स बनने लगी, उसके बाद उसकी लाइफ में क्या चेंज हुआ, ये सारा हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। डिस्कवरी ऑफ मेटल्स चेंज द लाइफ ऑफ द मैन। हमने ये भी पढ़ा है कि कैसे डिस्कवरी ऑफ मेटल्स, कॉपर, ब्रॉन्ज ने, उसके बाद आयरन ने कैसे मैन की लाइफ को चेंज कर दिया, क्योंकि टूल्स बनने स्टार्ट हो गए, टूल्स की हेल्प से उसका काम और इजी होता गया। उसके बाद टूल्स के बाद जब आयरन की खोज हुई, डिस्कवरी हुई, उसके बाद तो मशीनरीज बनने लग गई, तो उसकी लाइफ और इजी बनती गई, है ना। तो ये जो मेटल्स हैं, इन्होंने एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। Discovery of iron revolutionized his life. जो कॉपर था वो फर्स्ट मेटल था जो एक ह्यूमन बींग ने यूज किया था। फर्स्ट मेटल अगर आपसे कोई पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि वो क्या है? कॉपर। उसके बाद जब डिस्कवरी हुई आयरन की, तो बिल्कुल ही जो ह्यूमन बींग था उसकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई, क्योंकि आयरन की हेल्प से बहुत सारी मशीनरीज बनने लग गई। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस बनी, टूल्स बने, और भी मशीनरीज बनी धीरे धीरे। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड। हमने ये पढ़ा था कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था वो कहाँ पर बिगेन हुआ? वो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ। क्यों क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर जितने भी फैक्टर्स थे जो एक इंडस्ट्री को चाहिए होते हैं, कुछ फैक्टर्स इंडस्ट्री को चाहिए होते हैं एस्टेब्लिश करने के लिए, वो सारे फैक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल थे। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो भी सही था, और वहाँ पर जो रिसोर्सेस थे वो भी अच्छे थे सारे सामान के, इसलिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड के ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट इज, एनर्जी फॉर मशीन्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। जो मशीनरीज को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती थी, वो एनर्जी कहाँ से ली जाती थी? वो एनर्जी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस से ली जाती थी। जितनी भी एनर्जी वो कंज्यूम करते थे, वो एनर्जी इन तीनों तरीकों से ली जाती थी, या तो कोल हो गया, या पेट्रोलियम, या नेचुरल गैसेस जो हो गई। आजकल कोल का बहुत कम यूज़ होता है, पर पेट्रोल तो आपको पता ही है, सबको, आपके घर में जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसमें पेट्रोल या डीजल डलता है, या नेचुरल गैसेस होती हैं। नेचुरल गैसेस हम अपनी किचन में भी यूज़ करते हैं, LPG, है ना। नेक्स्ट इज, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी
एंटीडल एनर्जी आर रीन्यूएबल एंड पॉल्यूशन फ्री। जो सोलर एनर्जी है और जो ये बाकी एनर्जीज हमने पढ़ी थी, कुछ एनर्जीज कैसी हैं, पॉल्यूशन फ्री हैं। बट जो पेट्रोल कोल से होती थी एनर्जी, वो पॉल्यूशन फ्री नहीं होती थी, उससे पॉल्यूशन होता था। ठीक है, सोलर एनर्जी, सोलर प्लेट्स लगती हैं, उस वो सनलाइट की हेल्प से एनर्जी को जनरेट करती हैं। आजकल बहुत सारी जगह पर सोलर एनर्जी यूज़ की जाती है, स्ट्रीट लाइट्स के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, और बहुत वाटर हीटर्स के लिए बहुत जगह पर यूज़ की जाती है। आजकल कुछ घरों में भी लोग सोलर एनर्जी के पैनल्स लगवाने लग गए हैं। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी विंड फैन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है, उस वो भी आजकल बहुत जगह यूज की जाती है। जियोथर्मल एनर्जी जो हमारे अर्थ की हीट होती है उसकी हेल्प से बनती है, जैसे बायो एनर्जी भी उसी की हेल्प से बनती है, टिडल एनर्जी, ये सारी जो हैं ये सारी पोल्यूशन फ्री एनर्जी हैं, इनसे पोल्यूशन नहीं होता। बेटा नाउ होमवर्क, टुडेज होमवर्क, टुडेज होमवर्क इज होमवर्क असाइनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर वन, फिल इन द ब्लैंक्स, लिसन टू असाइनमेंट केयरफुली एंड देन राइट द आंसर्स केयरफुली एंड अवॉइड, प्लीज अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। मैन डिस्कवर्ड आयरन इन द एज, इन डैश एज, I repeat, man discovered iron in the dash age. Number two, diesel is the product of dash. I repeat, diesel is the product of dash. Number three, crude oil has to be dash. Number three, crude oil has to be dash. Number four, dash is the oldest atomic power plant of India. I repeat, dash is the oldest atomic power plant of India. Number 5, the latest solar plant in India is located as dash. I repeat, the latest solar plant in India is located as at dash. I'm repeating number 5 again. The latest solar plant in India is located at dash. Now next question is, write true false against each statement. Number 1, machines are very useful to man. You have to write true or false. This statement is true or false. I'm repeating number 1. Machines are very useful to man. Number 2. We use CNG for cooking food. We use CNG for cooking food. Number 3. Kerosene is the product of coal. I repeat, kerosene is the product of coal. Number 4. Tarapur Atomic Power Plant is in Maharashtra. Number 4.
तारापुर ऑटोमिक पावर प्लांट इज इन महाराष्ट्र। नंबर 5, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड एनीवेयर। आई रिपीट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड एनीवेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मैच द डिस्क्रिप्शन गिवन अंडर कॉलम ए दैट गिवन अंडर कॉलम बी। आपको कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है, ठीक है। आप मैचिंग, कई बच्चों की क्वारी होती है कि मैम मैचिंग कैसे करें नोटबुक में। आप कॉलम ए के सामने कॉलम बी लिखकर उसके करेक्ट आंसर लिख सकते हैं, या फिर इनको नंबरिंग देके करेक्ट नंबरिंग लिख सकते हैं। मैम ने नंबरिंग इसलिए नहीं दी, कई बच्चे ए बी सी लिख देंगे, कई बच्चे 1 2 3 लिख देंगे, तो इसलिए आप खुद से ही नंबरिंग दीजिएगा और फिर वो ही नंबरिंग लिखिएगा, या फिर कॉलम ए के सामने कॉलम बी के जो करेक्ट आंसर्स हैं। कॉलम ए को नहीं छेड़ना आपने, कॉलम ए का सीक्वेंस यही रहेगा, कॉलम बी का सीक्वेंस आपने जो करेक्ट सीक्वेंस है वो लिख के आप मेरे को फोटो खींच के ये होमवर्क अपना ईमेल आईडी पे मैम की डाल दीजिएगा, ठीक है बेटा। नाउ होमवर्क सॉल्यूशन, होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर नंबर 3, क्लास 5, सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 4, द एज ऑफ मशीन्स, लेक्चर 3, होमवर्क सॉल्यूशन। आर होमवर्क वॉज 2 क्वेश्चन आंसर्स, 2 क्वेश्चन आंसर्स थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द न्यू मशीन्स हेल्प इन द मास स्केल प्रोडक्शन। हमने पढ़ा था मास स्केल प्रोडक्शन क्या होती है, जब एक ही चीज की प्रोडक्शन लार्ज नंबर में हो उसे मास सेल प्रोडक्शन कहते हैं, स्केल प्रोडक्शन कहते हैं। तो जो न्यू हेल्प थी उन्होंने कैसे हेल्प की मास स्केल प्रोडक्शन में। द न्यू मशीन्स हेल्प टू प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड फास्टर। जब कोई प्रोडक्शन है वो लार्ज क्वांटिटी में होगी और फास्ट होगी तभी उसका मास स्केल प्रोडक्शन हो पाएगा, और न्यू मशीन्स की हेल्प से जो गुड्स थी वो चीपर भी होने लग गई थी, सस्ती भी होने लग गई थी। यू कैन राइट एट दिस पॉइंट ऑल्सो, द मशीन्स हेल्प टू प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज एंड फास्टर। आई रिपीट, द न्यू मशीन्स हेल्प टू प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज एंड फास्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम वॉज द प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड। राइट डाउन 2 एडवांटेजेस ऑफ प्रिंटिंग मशीन। आंसर इज, द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन्स गुटेनबर्ग। एडवांटेजेस, नंबर 1, अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स कुड बी प्रिंट इन अ शॉर्ट वाइल। नंबर 2, नाउ बुक्स आर अवेलेबल ऑन चीपर प्राइस। जॉन्स गुल्टनबर्ग ने इन्वेंशन की थी प्रिंटिंग मशीन की, और जो एडवांटेजेस हैं उसकी कि जो ये प्रिंटिंग मशीन की हेल्प से लार्ज नंबर ऑफ बुक्स एक साथ प्रिंट हो सकती थी, ठीक है, और जो ये बुक्स थी वो चीपर प्राइस पे अवेलेबल हो गई थी। जब किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, लार्ज स्केल पे हो जाती है, तो उसका रेट हमेशा डाउन ही जाता है, ठीक है। आई रिपीट द आंसर, द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन्स गुल्टनबर्ग। एडवांटेजेस,
लार्ज नंबर ऑफ बुक्स कुड बी प्रिंटेड इन अ शॉर्ट वाइल. नंबर टू, नाउ बुक्स आर अवेलेबल ऑन चीपर प्राइस. ओके बेटा, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी इन दिस लेक्चर यू कैन मेल इट टू मी. आई हैव गिवन यू माई ई मेल आई डी, तो यू कैन सेंड अ मेल ऑन माई ई मेल आई डी. और बेटा, यू हैव टू सबमिट योर होमवर्क ऑन माई ई मेल आई डी ओनली, एंड प्लीज मैंशन योर नेम, रोल नंबर, सेक्शन एंड क्लास एज वेल. कुछ बच्चे अभी भी नेम रोल नंबर नहीं भेज रहे हैं. जो भेज रहे हैं इट्स वेरी गुड, थम्स अप फॉर देम. बट जो नहीं भेज रहे हैं, प्लीज़ बेटा, बहुत बहुत मुश्किल हो जाते हैं मैम को. अपना नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, चारों चीज़ें प्लीज़ मेंशन किया करो. ठीक है, मेल आईडी में अपने पापा को बोल दो सब्जेक्ट की जगह ये चारों चीज़ें मेंशन किया करेंगे, आपका नेम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर. ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, बी सेफ एंड रिवाइज दिस चैप्टर केयरफुली बिकॉज नाउ टेस्ट इज कमिंग ऑफ दिस चैप्टर. बाय बाय.